एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ आप अगर दो मिनट लेट आई यही बच्ची पल्लवी कुमारी तो इनको एग्जाम नहीं देने गया, बहुत अच्छा गया। परसों फर्स्ट सिटिंग में तीन मिनट लेट हुआ, एंट्री नहीं करने दिया। पहले रुक, पहले बोलने दीजिए। 18 मिनट क्वेश्चन लेट क्यों मिला विद्यार्थी को, ये क्वेश्चन है। विद्यार्थी को बुलाएं, 18 मिनट क्वेश्चन लेट क्यों बटा? अंकल, ये अंकल है कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तीन मिनट लेट से एंट्री नहीं हुआ, लेकिन आज 18 मिनट बाद क्वेश्चन बच्चे को क्यों मिला? आखिर बच्चे को बैठा के 18 मिनट तक क्यों बैठाया उसको? मैट्रिक और इंटर वाले को भी ये समस्या झेलना पड़ा था कि जब दो मिनट लेट हुआ था तो उनको अंदर जाने नहीं दिया था। और यूं आज की आज ये अंकल कह रहे हैं कि आज 18 मिनट लेट क्वेश्चन दिया गया, आखिर क्यों? जबकि बच्चे को एक मिनट लेट होता है, ट्रैफिक में लेट हो सकता है, या बहुत कुछ में ऐसी समस्या आती है जिससे बच्चे पीछे छूट जाते हैं, एक दो मिनट के लिए गेट बंद हो जाता है और वो अंदर नहीं जा पाते हैं। आज वही अंकल कह रहे हैं कि आज 18 मिनट जो लेट क्वेश्चन दिया गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्वेश्चन है, मेरे बेटे को तीन मिनट के कारण यहाँ से लौटाया गया है और आज मेरे बेटे को 18 मिनट के बाद क्वेश्चन मिला है, क्यों ऐसा हुआ? इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? यहाँ की जो यहाँ का सारा सिस्टम जो रखे हुए हैं, उनको हम दोषी मानते हैं? ये तो गाइडलाइन में लिखा गया है कि 9 बजे से एक मिनट बाद नहीं आना है, लेकिन 9 बजे के बाद आता है, बंद हो जाता है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए भी दिया गया है कि आपको एनी हाउ 9:30 बजे क्वेश्चन मिल जाना है, तो फिर क्यों लेट मिला क्वेश्चन? 18 मिनट क्यों आप बैठा है, क्यों इंतजार कराए? 18 मिनट आप क्यों इंतजार कराए? तो इनका सवाल है कि 18 मिनट जो इंतजार करवा, 18 मिनट जो बच्चों को समय कम मिला, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? हाँ, इससे क्या होता है, एक एक मिनट परीक्षा में बहुत मायने रखता है। 18 मिनट एक, हाँ बोलिए, देखिए एक एक मिनट परीक्षा में बहुत मायने रखता है, और यहाँ 18 मिनट क्वेश्चन लेट दिया गया था और आज 12:45 में बच्चों को छोड़ दिया गया। बताइए 18 मिनट जो लेट हुआ था उनमें उनका क्वेश्चन तो छूटा होगा, अब उनमें उसका नंबर भी कम आएगा और हो सकता है कि एक दो नंबर से वो सेकंड और एक दो नंबर से फेल भी हो सकते हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल लेट क्वेश्चन दिया गया था ना, वो बच्ची आ रही है, मैं उनसे बात करूँगा। हाँ, क्या नाम हुआ? हम पहला दिन जब आए तो दो मिनट लेट हुआ तो हमको जाने नहीं दिया गया, और आज हमको 10 मिनट लेट क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, पहला दिन एग्जाम दे पाए थे कि नहीं? नहीं दे पाए थे, दो मिनट के लिए। हाँ। आज जो 18 मिनट लेट क्वेश्चन दिया गया था, आज छूटा या नहीं? आज नहीं छूटा। आज क्वेश्चन छूटा था कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटा, लेकिन 8 मिनट लेट दिया गया हमको। 8 मिनट या 18 मिनट? 18 मिनट लेट दिया गया। क्या कहेंगे 18 मिनट जो एक मिनट लेट होने के कारण आपको फर्स्ट दिन घुसने नहीं दिया? बताइए ये बच्ची, क्या नाम हुआ? पल्लवी प्रियदर्शन। पल्लवी कहाँ से आई है? मकईपुर से। मकईपुर से, देखिए ये मकईपुर से आई है, पल्लवी नाम है, और इनका फर्स्ट डे एग्जाम नहीं हुआ था। पहला दिन कौन सा पेपर था? हिंदी। हिंदी, हिंदी का एग्जाम नहीं दे पाई थी, अब कंपार्टमेंटल से एग्जाम देगी। अब बताइए दो मिनट के चलते ये कंपार्टमेंटल सर्टिफिकेट में कंपार्टमेंटल लिखा जाएगा, और बताइए आज जो संस्कृत का एग्जाम था इसमें 18 मिनट लेट दिया गया, ये शिक्षा विभाग की गलती है। ये शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए था, आखिर लेट होता है तो एक दो मिनट के लिए लेट हो भी जाता है, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे ट्रैफिक जाम होते हैं, तो बच्चे को जाने देना चाहिए। खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा प्रणाली जो है इतनी हद तक नीचे जा चुकी है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है ये तो मैं यही कहना चाहूंगी। और ये बताइए शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि इन सब तथ्यों पे थोड़ी विचार करके ऐसी सब छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको शिक्षा माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं इस सब पर जो है ध्यान रखा दिया करें। बच्चों इस क्या है, बच्ची को कितनी परेशानी झेल करके उनके गार्जियंस पढ़ाते हैं, और 10 साल तैयारी की है तब जाके इनको एग्जाम में बैठने दिया गया, वो भी दो मिनट के चलते लेट हो गया, और ये फर्स्ट एग्जाम पे फर्स्ट पेपर नहीं दे पाई है। जैसे कि बच्चा जो है सुधार क्या उनका, तो शिक्षा कहाँ माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, और कहाँ हम लोग। लेकिन यही है कि जो बच्चों, कम से कम बच्चियों को तो इसका ये देना चाहिए था, पहला दिन एग्जाम नहीं दिया गया, अब जो दिया जाएगा वो तो इसमें नहीं आएगा, इसलिए इन सब पर विचार किया जाए और ऐसी सब छूट दी जाए बच्चियों के लिए। बच्चियों की माता पिता को बहुत परेशानी झेल करके बच्चियों को पढ़ाया जाता है, और जब एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ आप अगर दो मिनट लेट आई यही बच्ची पल्लवी कुमारी तो इनको एग्जाम नहीं देने दिया गया, तो ये क्या है? ये बच्चे की नाम दिया गया, दो बार हम अंदर गए, हमको धक्का दे के बाहर निकाला गया। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, बहुतों कॉलेज में ऐसा हुआ है कि अंदर जाने के बाद, इस्लामिया में भी हुआ है, पहला दिन अंदर जाने के बाद दो बच्चे को बाहर निकाल दिया, वीडियो अपलोडेड है, उनकी माँ लोट लोट के रो रही थी फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया। ये बिहार है और बिहार में कुछ भी संभव है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।